गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं मेहंदी लगा रही हूँ और मेरे बाल बहुत सफ़ेद हो गए हैं। तो देखिए गाइस, इतनी सारी मेहंदी है और ये कल मेरी सिस्टर ने लगाई थी और ये बच गई है पूरी की पूरी। इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया है। ये देखिए, ये पूरी लस्सी बनी हुई है मेहंदी की, तो अभी मैं अपने सर पे लगा रही हूँ। और बाहर बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। ये देखिए, मेरे पूरे बाल सफ़ेद हो रखे हैं। और गाइस, मैं ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ कभी भी नहीं, क्योंकि ये जो स्पून है, स्पून से बहुत अच्छी मेहंदी लगती है। तो कभी भी हो तो स्पून से मेहंदी, अगर आप लोग ब्रश से नहीं लगाना चाहते तो आप लोग स्पून से मेहंदी लगा सकते हैं। ये देखिए, स्पून से बहुत अच्छे से लगती है। और इसके बाद मैं ऊपर से काली मेहंदी लगाऊंगी। और गाइस, जैसा कि आप सब देख चुके हैं, मैं अपने गांव पहुंच गई हूं। 2 दिन की जर्नी के बाद मैं फ़िलहाल अपने गांव में हूं और यहां आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत धूप नहीं आई हुई है। ये क्या है, अभी आपको मेहंदी लगाने के बाद मिलती है। ये देखिए गाइस, अभी मैंने इसको ऊपर कर दिया है और पीछे की साइड मैं नहीं लगा सकती हूँ। पीछे की साइड अपनी सिस्टर को बोलूँगी लगाने के लिए, अगर वो लगा देगी तो ठीक है। और अभी आगे से भी दिखाई दे रहे छोटे छोटे बाल, इस पर भी लगा देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा बोलना पड़ेगा, अभी लाती हूँ। Hey guys, देखिए मेरी मेहंदी लग गई है और मैं आपको दिखाती हूँ हमारी सब्जियाँ। ये देखिए, छोटा छोटा टमाटर है, सुंदर लग रहा है। और ये हमारा पूजा में यूज़ होता है, इसका नाम मैं भूल गई। इस पर बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये फूल, ये देखिए, ये पूरा हल्दी का है, हल्दी के पेड़। टमाटर और ये जंगली बीन्स है, बीन्स। और ये उसका है, भट्ट का है, सोयाबीन। ये देखिए, ये वाली लौकी सड़ गई है हमारी, ये नहीं होगी अभी। और ये है जंगली सब्जी, इसकी भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए, इस पर येलो येलो फूल होते हैं। और आपको बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही है, उधर हमारे यहाँ किसी की शादी हो रही है तो ढोल बज रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही ढोल बजते हैं, ये हमारे ट्रेडिशनल ढोल हैं। ये देखिए गुलाब, ये एलोवेरा, ये देखिए, ये हमारे जंगली फूल हैं, ये जंगल से आया है। और ये इतना सारा फूल होता है, बहुत सुंदर लग रहा है। गाइस, अभी 12 बज रहे हैं और मैं चाय बना रही हूँ। हाँ ठीक है, मैंने इसलिए पूछा। और यहाँ पे भी मैं इंडक्शन में ही चाय बना रही हूँ। अरे यार, पुराना इंडक्शन है। गाइज, मेरी बहन बोल रही है कि तुझे चाय बनानी नहीं आती है, तो मैंने अभी इसमें एक ही गिलास पानी डाला है और 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। ये देखो, मैंने इसमें अदरक डाल दिया है और चाय पत्ती भी बहुत ज़्यादा डाली है और चीनी भी डाल दी है। अब देखते हैं कैसी बनती है चाय। गाइज, ये देखिए, मेरा पूरा काम उल्टा पुल्टा हो गया है। कहीं दूध नहीं मिल रहा, कहीं चाय पत्ती नहीं मिल रही है, कहीं अदरक नहीं मिल रहा है। अभी मेरी चाय थड़क गई है। और ये है गाँव का दूध, तो देखते हैं। अरे यार, ये तो वाइट लग रही है चाय, अगर काली नहीं बनी तो फिर से मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये देखो, हम लोग भी वैसे अच्छी चाय पीते हैं, साउथ इंडियन जैसी गाढ़ी चाय नहीं पीते हैं, लेकिन अच्छी चाय, टेस्टी चाय पीते हैं। इसका बर्तन भी बहुत खूबसूरत है और चाय भी बहुत खूबसूरत बनेगी। तो ये देखिए मेरी चाय, तू नहीं पी रही, पापा मना कर दे। अच्छा, तेरा ध्यान बेकार रहता, ब्लॉग पे ही रहता, गाइस पे रहता। मेरे गाइस नहीं है। <आईज़ा। laughs> ले, ये देखिए मेरी चाय आ रही है, मेरी चाय। अरे
गाइस ये देखो मेरी चाय कितनी सुंदर बन रही है, ये देखिए आज मैंने बहुत टेस्टी चाय बना रही है बनाई है। और जिस बेचारी को चाय पीनी थी वो तो है ही नहीं इधर, वो बाजार चला गया। अभी हम दो ही हैं और मम्मी को भी देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी थोड़ी चाय पीती है तो मम्मी को थोड़ा सा एक तुर्की ए मैं लेती हूँ चाय। चलो भी ये कैंसिल चाय हो गई। अरे अब वैसे प्रॉपर ब्लॉग बनाते थे। हाँ मेरी बहन को थोड़ा लालच आ रहा है, बोल रही है मम्मी की चाय भी मुझे दे, ये ले तेरी चाय। जिसने बनाई उसको तो थोड़ी सी चाय। गाइस अभी मेरी चाय हो गई है ख़त्म, मेरे को थोड़ी सी चाय बची, मेरे साई सारी चाय ले ली है। अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, एक मिनट में चाय ख़त्म करके फिर बात करती हूँ आपसे। गाइस ये देखिए ये गांव की दाल है, ये देखिए इसमें बहुत सारी दाल मिक्स है, इसमें ब्लैक कलर की दाल भी है, येलो कलर की दाल भी है, वाइट कलर की दाल भी है, और ये पूरी मिक्स है। और इसको हम पीस के हम लोग जैसा बनाएंगे जैसा जो कि उत्तराखंड का मोस्ट पॉपुलर साग है, मतलब दाल का साग बनाते हैं और उसको हम चावल के साथ में खाते हैं, तो बहुत फेमस है और हमारे उत्तराखंड का है जैसा, तो और बहुत टेस्टी होता है अगर बनाया जाए तो, बहुत टेस्टी होता है। तो आज हम लोग जैसा बना रहे हैं और जैसे कि रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे बनाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दाल दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाली दाल है, और ये दाल पूरा पूरी ड्राई हो रखी है, इसमें थोड़ा सा भी पानी वानी नहीं मिलाना है अभी, अभी इसको ऐसे ही पीसना है। ये देखिए इसमें हमने मसाला पीसा है इसलिए ऐसा लग रहा है। ओ दूर 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 कौन है ये तू? मैं कह रही बंदर आ गया। ये देखिए अभी इसके ऊपर से हाथ रखना पड़ेगा मेरे को, ये पिस गया है थोड़ा, ये कम पिसा है, अभी इसको ढंग से पीसेंगे। ये पूरा साइड में लग गया है दाल, ये ऐसे ही होता है, थोड़ी सी इसको पीसने में प्रॉब्लम होती है। ये देखिए इस दाल को हमने पहले फ्राई किया हुआ है, पहले इसको ड्राई रोस्ट करते हैं उसके बाद इसको पीस रहे हैं। देखो पूरा गिर रहा है दाल, नारियल हल्दी। ये देखिए गाइस ये हमारी हल्दी है, ये मम्मी ने लगा रखी है, मम्मी हमेशा लगा के रखती है। हाँ ये मैं यू क्या था, यू लेमन ग्रास, ना ना यू लेमन ग्रास, शुगर ग्रास, शुगर ग्रास, हाँ ये शुगर ग्रास है, ये देखिए इतना बड़ा पेड़। हाँ ये देखिए इसके फूल हैं, ये इसकी पत्ती बहुत मीठी होती है, ये शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है खाने के लिए। ये देखो अभी मेरी मम्मी क्या कर रही है, मम्मी क्या कर रही है? हल्दी निकाल रही है, हल्दी निकाल रही है। ओके देखो मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी हिंदी बोलती है, देखो ऐसे निकालते हैं हल्दी। एमाम ये हल्दी पाकी बोल मतलब ना, अच्छा हाँ अभी नहीं पकी है इसकी हल्दी, तो मेरी मम्मी क्या करेगी कि पहले हल्दी निकालेगी फिर सुकेलनी, फिर इसको धो करके हम लोग सुखाएंगे, और सुखाएंगे तो फिर हल्दी का कलर आएगा। वो राजस्थानी लोहा हल्दी हलवा बनन भाई, कच्ची हल्दी हलवा, कच्ची हल्दी का हलवा। ये देखिए अभी शायद नहीं मिल रही है, देखते हैं। हाँ अभी नहीं है, अभी नहीं लगा है, इसमें कलर भी नहीं आया है हल्दी का। हाँ ये देखिए इसमें हल्दी का कलर नहीं आया, इसमें वाइट वाइट लग रहा है अभी, कलर नहीं आया है। कलर नहीं आया है अभी, ये थोड़ा थोड़ा यंग यंग है, अभी बुढ़ी नहीं हुई है। हाँ ये देखिए ये हल्दी है, ये रियल हल्दी गाइस, ये देखिए ऐसी होती है, ये देखिए आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी, ये देखिए ये हल्दी है। तो हमने इसको बंद कर दिया है कि अभी ये थोड़ी थोड़ी दिनों के बाद हो जाएगी हल्दी। गाइस मेरा जैसा बनाना कैंसिल हो गया है क्योंकि आज हम लोग दाल बना रहे हैं, मेरी मम्मी ने दाल भिगा के रखी थी और हमने दाल चढ़ा दी है, तो आज नहीं बन पाएगा, मैं कल आपको रेसिपी दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने पूरा पीस दिया है और मेरी मम्मी को दाल लेके अंदर आ रखी है, देखो। दिया है मैंने पूरा,
ये देखिए गाइस, अभी चावल पीस रहे हैं, इसका पाउडर चाहिए होता है तो इसका पाउडर भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये चावल है, इसको भी पीसेंगे मिक्सी में। गाइस ये देखिए, गाइस ये देखिए, इतना बड़ा बीन्स का टुकड़ा मैंने कभी भी नहीं देखा। ये देखिए इतनी बड़ी राजमा होती है हमारे यहाँ पे, ये इतना लंबा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। गाइस मैं चावल पीस रही हूँ लेकिन नहीं पीस रहा है, पूरा गिर जा रहा है ये। इसका मिक्सी भी अच्छा नहीं है इसलिए पूरा साइड से गिर जा रहा है। तो अभी इसको तो मैं पीस नहीं सकती हूँ। ये देखिए ये पूरा किनारे से गिर जा रहा है ये। अभी इसका कुछ दूसरा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि इसको मैं नहीं पीस पाऊंगी, ये पूरा गिर जाएगा, फिर पूरा वेस्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए गाइस चावल पीस गया है लेकिन ये इतना बारीक नहीं हुआ है, ये थोड़ा चीनी का जैसा हुआ है। ये देखिए अभी इसको हम लोग सिलबट्टे में पीसेंगे जो पत्थर का होता है। मिक्सी में तो इतना बारीक नहीं हो रहा है, ये देखते हैं। मुझे बाल धोने पड़ेंगे क्योंकि मेरी मेहंदी लग गई है और ये थोड़ा कड़कड़ा हो गया है। सी यू, बाय बाय, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स।